सलमान, तुम यहां हो? मैं तुम्हारा अंदर इंतजार कर रही थी। ये देखो कैसा लगा रंग? कुछ नहीं देखना मुझे, आप हमारी जिंदगियों को बेरंग कर रही हैं। मैं रंग ही तो लाना चाहती हूँ अपनी, तुम्हारी, हम सबकी जिंदगियों में। जरा सोचो तो, यहाँ बच्चों की आवाजों के रंग बिखरेंगे तो कैसे लगेंगे? कुछ नहीं सुनना, नहीं सुनना मुझे कुछ। आप सिर्फ मेरी बात का जवाब दे। मैं भी तो सिर्फ तुम्हें ही सुनना चाहती हूँ सलमान, मगर मुझे तुम ये बताओ कि तुमने अपने ऑफिस वालों को इनवाइट क्यों नहीं किया शादी में? मॉम प्लीज, निकल आया आप अपने इस झूठे ख्वाब की दुनिया से। आप जैसा चाह रही हैं ऐसा हरगिज नहीं होगा। वो ही होगा सलमान जो मैं चाहती हूँ। अच्छा, लगता है आपको मैनेजर साहब ने ये बताया नहीं कि मैंने अपनी कल की सारी इनविटेशंस को कैंसिल कर दिया। मॉम, मैं अरूज के साथ बहुत खुश हूं और मैं अपनी सारी जिंदगी अरूज के साथ ही गुजारूंगा। अलीजे से हरगिज शादी नहीं करूंगा और ये मेरा आखिरी डिसीजन है। अरूज, अरूज, फॉरन नीचे मॉम बुला रही हैं। क्या हुआ खैरियत? पता नहीं, मैं जाके देखता हूँ। मामी, क्या हुआ? खैरियत तो है? मॉम, क्या हो गया? सब ठीक तो है ना? मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ। घर छोड़ के जा रही है? मगर चुप हो जा तुम। कोई बात नहीं करोगे, नाराज हूं मैं तुमसे। कर ली ना तुम लोगों ने अपनी मनमानी, अब मैं ये घर छोड़ के जा रही हूं और कोई मुझे नहीं रोकेगा। अब आप लोग ही बताइए, आने वाले मेहमानों का मैं किस तरह सामना करूंगी? आप कहीं नहीं जाएंगी आंटी। ये आपका घर है और आप यहीं रहेंगी। अरूज, तुम जानती भी हो मामा की जिद क्या है? मैं जानती हूँ सलमान, और मैं ये भी जानती हूँ कि मेरी मोहब्बत में तुम आंटी से जंग लड़ रहे हो। मैं तुम्हें परेशान नहीं देख सकती। ये शादी होगी आंटी, मॉम
जहां आप चाहेंगी वही होगी। अरूज ये कोई पत्थर नहीं, चोट दे जो हर दफा जख्म वो भरता नहीं। देख रही है इस घर में क्या हो रहा है। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा है कि सब कुछ इतना आसानी से हो गया। आप मुस्कुरा रही हैं। मुझे अभी तक समझ ही नहीं आ रहा है कि रात को हुआ क्या है। ये सलमान की मोहब्बत है अपनी माँ के लिए। मैं जानती थी मेरा सलमान अपनी माँ को इतनी आसानी से जाने नहीं देगा। ठीक कह रही हैं आप, लेकिन आंटी सलमान ने तो सिर्फ आपको रोका है। शादी की इजाजत तो अभी भी अरूज नहीं दी है ना। वो मजबूर थी। जानती थी सलमान उसे तो छोड़ सकता है मगर अपनी मां को कभी नहीं। हाँ, कि मैं भी यही सोचूं कि रोज इतनी बुजदिल तो नहीं है। खैर तुम अरूज की बातें छोड़, ये बताओ तुम खुश हो ना? तुम मेरे सलमान की बीवी बनने जा रही हो। थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच। ये सब कुछ आपकी वजह से पॉसिबल हुआ है, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मेरी एक बात याद रखना अलीज़े, मैं तुम्हारी सलमान से शादी सिर्फ सलमान की औलाद के लिए करवा रही हूं। आंटी अगर मैं भी उरूज की तरह हो ही नहीं सकता। सारी लड़कियां उरूज की तरह नहीं हो सकती। अच्छा ठीक है, जाओ जाके तैयारियां करो। थैंक यू वंस अगेन।